हेलो एवरीवन, मैं रूपाली, मैं आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम रनर चेजर स्टेजेस, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद लाइफ फिर पहले जैसी नहीं रहती। ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है और प्यार भी डिवाइनल फीलिंग के साथ। आपका आपके ट्विन से मिलना, फिर प्यार होना और उसके बाद सब कुछ खत्म सा लगने लगना, ये सब ये एक डिवाइनल प्लान होता है। फिर शुरू होता है चेजिंग स्टेज, जिसमें एक ट्विन अपने ट्विन को वापस अपने लाइफ में पाने की कोशिश में लग जाती है, पर अल्टीमेटली होता क्या है, ट्विन रन कर जाता है। धीरे धीरे समय बीतने पर चेजर ट्विन अपने आप को संभालती है और अपने ऊपर वर्क करती है, और रनर इस इंटेंस कनेक्शन से भागने लगता है, डरने लगता है। और ये सब होने के पीछे भगवान का मकसद होता है कि दोनों ही अपने अपने सोल को इवॉल्व करें। लेकिन मैं यहाँ आप सभी से बताना चाहूँगी कि रनर ट्विन कभी भी चीटर या अब्यूजिव बातें करने वाला या फिजिकल टॉर्चर करने वाला हो ही नहीं सकता। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज हैविंग सच टाइप ऑफ बिहेवियर्स, दे आर सर्टेनली नॉट योर ट्विन। चलिए, सेवन साइंस में आपको बताऊंगी दोनों ही ट्विन का, कि उस ड्यूरेशन में, रनर चेजर ड्यूरेशन में, उन दोनों को क्या क्या सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, क्या क्या सिचुएशन से वो दोनों, रनर ट्विन और चेजर ट्विन मींस डीएफ और डीएम गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट जो सिचुएशन आएगी आती है वो है बैड हैबिट्स। अगर आप रनर चेजर फेज में हैं तो ज़्यादातर रनर ट्विन किसी ना किसी बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं ताकि वो इस फीलिंग से निकल सकें, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या पार्टी करना या जंक फूड की लत लग जाना। रनर ट्विन को लगता है ऐसा करने से वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे, भले ही वो चीज़ें कितनी अनहेल्दी क्यों ना हो, पर कोई ना कोई बुरी हैबिट के वो शिकार हो जाते हैं। नंबर टू, रिटर्निंग टू एन एक्स। रनर चेजर जो स्टेज होता है उसमें एक सिचुएशन ये भी आती है, रनर ट्विन को कुछ ही टाइम तक बैड हैबिट्स को एडॉप्ट करके कंफर्ट मिल पाता है। जितनी देर इन सब चीज़ों का इफेक्ट रहा बस तब तक, लेकिन रनर ट्विन कंफर्ट जोन में आने के लिए कभी कभी अपने एक्स से भी कनेक्ट करने लगते हैं। गोइंग बैक टू द ओल्ड रिलेशनशिप मे सीम अ गुड आइडिया टू द रनर ट्विन, लेकिन अपने ट्विन के साथ जिस तरह से सोल मैच करती थी वो मैचिंग रनर ट्विन को कहीं भी मिल नहीं पाता, इसलिए रनर भी चेजर ट्विन को मिस करता है। थर्ड सिचुएशन जो बनती है रनर चेजर डायनेमिक में, रनर चेजर फेज में, किसी पर विश्वास ना कर पाना। रनर ट्विन जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, वो हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं, यहाँ तक कि अपने ट्विन को भी। उनको लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव होगा तभी कोई किसी की इतनी केयर करता है या इतना प्यार करता है, यहाँ तक कि उनको भगवान से भी भरोसा उठ जाता है, और यही शक रनर ट्विन के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल स्टेज लेके आती है। नाउ फोर्थ स्टेज रनर और चेजर डायनेमिक का, फोर्थ स्टेज या सिचुएशन होता है डिवाइन, जो होती है, जो रनर और चेजर जो होते हैं डिवाइन दोनों को ही कुछ साइंस दिखाना स्टार्ट करते हैं। ये साइन
से आप दोनों को ही रिमाइंड कराया जाता है, ये साइन दिखाकर भगवान ये साइन दिखाते हैं, यूनिवर्स ये साइन दिखाते हैं आपको, ये साइन दिखाकर आप दोनों को ही ये रिमाइंड कराया जाता है कि आपका आपके ट्विन के साथ डीप कनेक्शन है। पर डीएफ या चेजर ट्विन इंट्यूटिव होती है, इसलिए ऐसे साइंस को इग्नोर नहीं करती, बट डीएम या रनर ट्विन इन सभी साइंस को इग्नोर कर देते हैं। फिफ्थ स्टेज या सिचुएशन रनर चेजर डायनामिक में ये आता है कि पूरे पूरे दिन एक दूसरे को सोचते रहना। रनर और चेजर दोनों ही पूरे पूरे दिन एक दूसरे को सोचते रहते हैं, कभी एडवाइस देते हुए या कभी सपोर्ट करते हुए, ये सारी टेलीपैथिकली दोनों दोनों को फील करते रहते हैं। जैसे आपके माइंड में आपके ट्विन, ठीक उसी तरह आप भी उनके माइंड से निकल नहीं पाते। जैसे आप अपने सारा दिन अपने ट्विन के बारे में सोचते रहते, वो अपने माइंड आपके माइंड में हमेशा छाए रहते हैं, ठीक उसी तरह से दोनों ही दोनों को ही दोनों की एनर्जी, सैड हो या हैप्पी वाली एनर्जी, जो भी एक दूसरे के एनर्जी हो, वो पिक कर लेते हैं, दोनों ही दोनों की एनर्जी को या फील करते हैं, कर लेते हैं। सिक्स्थ और बहुत ही प्लीजेंट स्टेज रनर चेजर डायनेमिक का ये है मैच्योरिटी का आना। मैच्योरिटी का आना। अब रनर चेजर ट्विन के अंदर इस स्टेज के एंड होते होते चेजर ट्विन के अंदर इस स्टेज के एंड होते होते मैच्योर हो जाती है, उनकी पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। डीएफ या चेजर ट्विन अपनी हैप्पीनेस एंड इनर पीस के टुवर्ड्स फोकस होने लगती है, वहीं रनर ट्विन भी मैच्योर होते जाते हैं। यहाँ रनर ट्विन के मैच्योरिटी से मेरा मतलब गिविंग अप बैड हैबिट्स और साथ ही साथ उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये होता है। इस वर्ल्ड को रनर ट्विन अब अलग अंदाज से देखने लगते हैं। जो भी उनके अंदर बैड हैबिट्स थी, इस फेज तक आते आते वे रनर ट्विन काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं और अपने अंदर जो भी बैड हैबिट्स थी उन सबको वो गेट रिड करना शुरू कर देते हैं। सेवेंथ एंड द लास्ट सिचुएशन जो होती है एक रनर और चेजर डायनेमिक में, जो एक फेज आता है या सिचुएशन आता है वो है, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फेज ये कहलाएगा, कि दोनों ही ट्विन स्पिरिचुअल होते जाते हैं। दोनों को ये जर्नी दी ही इसलिए जाती है कि वो अपने सोल को इवॉल्व कर सकें, भगवान के साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकें। अगर आप इस स्टेज पर आ गए हो तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एबिलिटीज, बैलेंस योर चक्रास। इस स्टेज पर आना ही अपने अंदर एक पीसफुल मोमेंट का पाए जाना होता है। आप अपने अंदर इस स्टेज तक आते आते पीसफुल हो जाते हैं, आप अपने अंदर एक सुकून फील करते हैं, आप अपने ट्विन को ही अपने अंदर फील कर पाते हैं। अगर आप इस स्टेज तक आ गए तो ये स्टेज को मेंटेन करिए। इस स्टेज को बनाए रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंसिंग करना है, अच्छी अच्छी बातें सोचनी, अच्छी अच्छी बुक्स और अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना है। ये स्टेज बहुत ही पावरफुल और लास्ट स्टेज होती है। इसके बाद आप 5D में अपने ट्विन के साथ रियूनाइट होते हैं, ठीक वही उसके बाद फेज आता है आपका 3D में, मैनिफेस्टेशन आप करते हैं 3D में अपने ट्विन को रियूनियन में पाना। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। आप लोग बहुत बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड ओम नमः शिवाय।